आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो क्या बोलते हैं, आज के सेशन थोड़ा सा पीएलसी के ऊपर अपन फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। पीएलसी की वायरिंग कैसे करके करनी है, पीएलसी का डाउनलोडिंग केबल और पीएलसी के सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा पीएलसी के ऊपर फोकस करेंगे। और फिर स्टूडेंट अगर टाइम बचता है तो मैं न्यूमेटिक्स का एक सर्किट और आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में होगा। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, पीएलसी कैसा होता है और पीएलसी के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कैसे होते हैं, सप्लाई कैसे करके देना है, पीएलसी को कनेक्शन कैसे करके करना है, कुछ कुछ बेसिक वीडियो है। कल मैं और भी वीडियो बनाऊंगा पीएलसी के ऊपर, आज एक बेसिक वीडियो है, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं वीडियो, तो स्टूडेंट ये वीडियो है, बेसिक पीएलसी का वीडियो है, पीएलसी कैसे करके वायरिंग कैसे करके करनी है और पीएलसी के केबल को कैसे करके कनेक्ट करना है। तो कुछ बेसिक वीडियो है स्टूडेंट, ये देखो आप। सबसे पहले ये बेसिक वीडियो देखो तो आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग के बारे में और बताऊंगा। तो स्टूडेंट ये एक पीएलसी का कनेक्शन है, ये पीएलसी हो गया आपका, और इसके पीएलसी को 24 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ती है। कुछ कुछ पीएलसी को 24 वोल्ट की भी सप्लाई देनी पड़ती है, कुछ कुछ पीएलसी को 220 वोल्ट की भी सप्लाई देनी पड़ती है। तो ये जो अपना जो पीएलसी है 224 वोल्ट का है, तो मेरे को एक एसएमपीएस इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पीएलसी में क्या होगा, इनपुट और आउटपुट, ये इनपुट और आउटपुट के लिए कनेक्शन होंगे, और पीएलसी का कम्युनिकेशन के लिए एक कम्युनिकेशन पोर्ट होगा जो कि लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये कुछ इस तरीके का होता है ब्लॉक डायग्राम पीएलसी का। अब आप देखो, ये पीएलसी हो गई आपकी। इसमें स्टूडेंट कई सारे कंपनी के पीएलसीज आते हैं, ये एलन ब्रैडली कंपनी का पीएलसी है, मैं आपको एलन ब्रैडली पे ही सिखाऊंगा। सीमेंस का भी आता है, डेल्टा का भी आता है, और भी कई सारी कंपनीज है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर एलन ब्रैडली और सीमेंस ही है। तो मैं आपको एलन ब्रैडली पीएलसी पे सिखाऊंगा। ये पीएलसी का मॉडल नंबर है माइक्रोलॉजिक्स 1100। और भी कई मॉडल के पीएलसीज आते हैं, प्रोग्रामिंग का तरीका सेम होता है, सॉफ्टवेयर भी सेम होते हैं। तो स्टूडेंट ये इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन के लिए देखो आई लिखा है, आई का मतलब है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट। ये इनपुट के कनेक्शंस हो गए स्टूडेंट और ये आउटपुट के कनेक्शंस हो गए स्टूडेंट। आप देखो यहाँ लिखा है O1, O2, O3, O4। इसमें कनेक्शंस कैसे करके करना है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो सर्किट डायग्राम के साथ आपको मैं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ सप्लाई देखो, यहाँ पे देखो 24 लिखा हुआ है, जहां पे 24 लिखा है यहाँ पे आपको सप्लाई देना है, डीसी सप्लाई देना है। इसमें जो है प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस माइनस उल्टा नहीं करना है स्टूडेंट, ऐसा करने पर पीएलसी खराब हो सकती है परमानेंटली। तो आपको जो है ये बहुत ध्यान रखना है कि 24 वोल्ट में प्लस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे। स्टूडेंट ये कम्युनिकेशन का पोर्ट है, जो मैंने आपको कम्युनिकेशन बताया, क्योंकि पीएलसी जो है एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है, इसके अंदर प्रोग्राम होना मस्ट है। ये प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा पीसी एक प्रोग्रामर के जैसा काम करता है। तो ये प्रोग्राम को पीएलसी में ट्रांसफर करने के लिए केबल की जरूरत पड़ेगी और एक कम्युनिकेशन पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये स्टूडेंट एलन ब्रैडली का केबल है, हर कंपनी का केबल अलग आएगा स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आप इसी केबल को इस्तेमाल डेल्टा में भी करोगे, डेल्टा में पीएलसी का केबल अलग होगा। ये पीएलसी का केबल सिर्फ और सिर्फ एलन ब्रैडली में ही काम करेगा। तो स्टूडेंट ये देखो मैंने ये कम्युनिकेशन पोर्ट के साथ इसको लगा दिया। इसमें दो कम्युनिकेशन पोर्ट है, एक ये इथरनेट वाला और एक ये वाला। मैंने इथरनेट के बारे में आज कुछ भी नहीं बताया, मैं आपको इथरनेट के बारे में कल बताऊंगा। मैं ये वाला सीरियल पोर्ट जो है, सिर्फ ये वाला पोर्ट आपको बता रहा हूँ। ये स्टूडेंट ये वाला हिस्सा जो है कंप्यूटर के साथ जुड़ेगा, ये वाला हिस्सा कंप्यूटर के साथ जुड़ेगा। अब स्टूडेंट सप्लाई देने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एसएमपीएस। तो ये एक 24 वोल्ट का एसएमपीएस है सीमेंस कंपनी का। इसमें देखो 220 वोल्ट एसी इनपुट है और आउटपुट 24 वोल्ट डीसी है। इनपुट एसी है और आउटपुट डीसी है स्टूडेंट। तो आपको इनपुट जो है एसी इनपुट देना पड़ेगा, प्लग से आप कहीं पे भी नॉर्मल सॉकेट के थ्रू इसको, जो आपके घर में जहाँ पे भी 220 वोल्ट है, और यहाँ पे आपको डीसी मिलेगा। ये रेड वाला जो है पॉजिटिव है और येलो वाला जो है नेगेटिव है, इसको आपको डायरेक्टली वहां पे कनेक्ट करना है। तो डायरेक्टली कनेक्शन की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे दो वायर कनेक्ट करके रखे हुए हैं, और जिसमें मैंने एक जगह पे देखो एक नॉट लगा दिया है। ये नॉट का मतलब मैंने इसीलिए लगाया ताकि ये प्लस और माइनस को मैं डिस्टिंग्विश कर सकूं। ये नॉट का मतलब है प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस जोड़ूंगा डीसी का। इस जगह पे स्टूडेंट गलती नहीं होना चाहिए पीएलसी के साथ, जब आप वायरिंग करोगे इस जगह पे आपको गलती नहीं करना है, इससे पीएलसी परमानेंटली डैमेज हो जाएगा स्टूडेंट आपको, और आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। इसीलिए इस जगह पे आपको बहुत ध्यान से कनेक्शन करना है पीएलसी का, प्लस माइनस अगर डीसी पीएलसी है। अगर एसी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसी में प्लस माइनस होता ही नहीं है, लेकिन अगर डीसी पीएलसी है तो आपको ये बहुत ध्यान से प्लस और माइनस को ध्यान रखना है। गलती से भी आपको प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह पे प्लस नहीं करना है, ऐसा करने पर पीएलसी तुरंत डैमेज हो जाएगा और रिपेयर नहीं होगा। ये स्टूडेंट मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब स्टूडेंट इसको मैं सप्लाई से कनेक्ट करूंगा। स्टूडेंट ये 220 वोल्ट सप्लाई से मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ये 220 वोल्ट सप्लाई से मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ये स्टूडेंट पीएलसी ऑन हो गया है, देखो ये पीएलसी में लाइट आ गई है, पीएलसी ओके है, पीएलसी जो है स्टार्ट हो गई है। ये इसमें आप डिस्प्ले में
भी देख सकते हो, ये मॉडल नंबर बता रहा है कौन सी कंपनी का पीएलसी है स्टूडेंट, एलन ब्रेडली कंपनी का पीएलसी है। तो ये कम्युनिकेशन पोर्ट हो गया। ये कम्युनिकेशन आपको कहाँ से जुड़ना है, ये पीसी के साथ आपको जोड़ना है स्टूडेंट, ये पीसी के साथ जोड़ना है। ये मेरा पीसी का सीरियल पोर्ट है। अगर आपके पीसी में सीरियल पोर्ट नहीं है तो एक यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर आता है, मैं आपको दिखा दूंगा कल। तो आप लैपटॉप के साथ अगर कनेक्शन करना है तो आपको यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेरा कंप्यूटर है और कंप्यूटर के पीछे से ये मैंने कनेक्शन निकाल लिया है, ये कंप्यूटर के बैक से आ रहा है, ये सीरियल पोर्ट है स्टूडेंट। ये DB9 कनेक्टर है, इस कनेक्टर को DB9 कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर, और जो सॉफ्टवेयर है आपका कंप्यूटर में होगा स्टूडेंट, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होगा, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आपको यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट। जो दूसरी पीएलसी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत पॉपुलर पीएलसी है सीमेंस की, सबसे ज्यादा पॉपुलर एलन ब्रैडली और सीमेंस ही है स्टूडेंट, आपको ये दोनों पीएलसी आना मस्ट है। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी देखो डीसी सप्लाई लगेगा, ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक की डीसी सप्लाई आपको देनी है इस पीएलसी को। यहाँ पे आप 12 वोल्ट से, और ये आई मतलब इनपुट और क्यू मतलब आउटपुट, ये यहाँ पे आउटपुट में क्या लगेगा, जो भी लोड है वो आपका आउटपुट में लगाना है, और इनपुट में क्या लगेंगे, सेंसर स्विच जो भी इनपुट के डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे इनपुट यहाँ पे लगेंगे। अब इसमें स्टूडेंट डाउनलोड कहाँ से होगा, ये देखो ये कम्युनिकेशन का पोर्ट है स्टूडेंट, ये कम्युनिकेशन का पोर्ट है, यहाँ से आपको कम्युनिकेशन केबल लगाना पड़ेगा। इसका कम्युनिकेशन केबल स्टूडेंट अलग है, देखो मैंने आपको बोला था कि हर कंपनी का कम्युनिकेशन केबल अलग आता है, ये कम्युनिकेशन केबल सीमेंस का कम्युनिकेशन केबल है, ये एलन ब्रैडली में नहीं लगेगा। इसमें जो है सीरियल पोर्ट नहीं है, इसमें आपका यूएसबी पोर्ट है, डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करो और इसको जो है आप अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर दो, या आप इसको पीसी के साथ कनेक्ट कर दो या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दो, डायरेक्टली यूएसबी में कनेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट इसको भी सप्लाई की आवश्यकता है, तो सप्लाई के लिए आपको एसएमपीएस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक SMPS है जैसा मैंने पहले दिखाया था, इसमें 220 वोल्ट इनपुट है और 24 वोल्ट डीसी आउटपुट है। ये मैंने 24 वोल्ट डीसी आउटपुट यहाँ से निकाल लिया है, प्लस और माइनस आपको ध्यान रखना है, इसमें भी प्लस और माइनस को उल्टा नहीं करना है। यहाँ पे जहाँ पे प्लस बना हुआ वहां पे रेड कलर लगाएंगे, ये मैंने रेड कलर वहां पे जहाँ पे प्लस बना हुआ वहां पे रेड कलर लगा दिया है। येलो कलर लग ये स्टूडेंट प्लस और माइनस मैं आपको कनेक्शन फिर से दिखाता हूँ, शायद इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। तो ये प्लस को प्लस में जोड़ना है स्टूडेंट, और माइनस को नेगेटिव में जोड़ माइनस में जोड़ना है। ये स्टूडेंट आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब आप इस पीएलसी को ऑन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट मैंने पावर दे दिया है, स्टूडेंट देखो ये पावर लाइट ऑन हो गई है और पीएलसी के डिस्प्ले पे भी देखो लाइट आ गई है, पीएलसी बूट हो रही है, ये पीएलसी जो है ऑन हो गई है। अब इसके बाद इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्शन करना जरूरी है कम्युनिकेशन केबल के थ्रू, और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको जो है प्रोग्रामिंग करना है स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से जो है हार्डवेयर इसका